स्वस्तिक ऐसा प्रतीक यानी सिंबल है जो हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। इसलिए किसी भी त्योहार, पूजा या रंगोली में दहलीज के पास स्वस्तिक बनाया जाता है और ये स्वस्तिक का प्रतीक हिंदू धर्म में 15,000 साल पुराना है। पुराने जमाने में स्वस्तिक मैमोथ बर्ड की टस्क से बनाया जाता था। जैसे आज के वक्त में स्वस्तिक एक शुभ संकेत माना जाता है, पुराने जमाने में भी ये शुभ ही माना जाता था। इस सिंबल को नाम ही मिला है संस्कृत वर्ड से स्वस्तिक से, जिसका मतलब होता है भले के लिए अनुकूल। लेकिन इस स्वस्तिक सिंबल का हर कल्चर में अलग यूज होता है। जैसे हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म में यह शुभ प्रतीक माना जाता है, लेकिन पुराने जमाने में यह स्वस्तिक सिंबल एशियाटिक आर्ट पैटर्न, ग्रीक करेंसी और मेडिवियल आर्किटेक्चर में यूज होता था। जहाँ जहाँ पे स्वस्तिक सिंबल का यूज हुआ है उसके पॉजिटिव हिस्ट्री ही जुड़ी है। लेकिन जब यह सिंबल जर्मनी के नाजी कल्चर के साथ जुड़ा तब इस सिंबल को करप्ट किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्वस्तिक सिंबल नाजी सिंबल कैसे बन गया और इस सिंबल के करप्ट होने की क्या वजह है? तो इस वीडियो से हम जानते हैं स्वस्तिक सिंबल क्यों करप्ट हो गया। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वस्तिक सिंबल की सालों पुरानी हिस्ट्री देखे तो पता चलता है कि इसका इस्तेमाल अलग अलग धर्म में होता है। जैसे बुद्धिस्ट धर्म में स्वस्तिक पॉजिटिव मीनिंग, शुभता, सौभाग्य और लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। तिब्बत में यह सिंबल अनंत काल का प्रतिनिधित्व दर्शाता है, जबकि भारत में बुद्ध भिक्षुक स्वस्तिक को बुद्ध के हृदय पर मुहर के रूप में मानते हैं। इसका मतलब होता है कि यह स्वस्तिक का प्रतीक किसी भी धर्म जाति में शुभ ही माना जाता है, लेकिन सिर्फ इससे जुड़े मतलब थोड़े अलग है। फिर ईयर 1920 में इस सिंबल पे कलंक लग गया। ईयर 1920 में अडॉल्फ हिटलर ने स्वस्तिक सिंबल जर्मन नेशनल सिंबल के लिए अडॉप्ट किया था। ये सिंबल नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या फिर जिसे नाजी पार्टी कहते हैं उनके फ्लैग में ये सिंबल था। ईयर 1945 में ये सिंबल जिसे शुभ संकेत मानते थे वो वर्ल्ड वॉर टू के साथ जुड़ गया, जिस कारण सैन्य क्रूरता फसीवाद जो जर्मनी के नाजी लोग द्वारा किया गया था, इस तरह से ये स्वस्तिक सिंबल अडॉल्फ हिटलर के कारण नाजी सिंबल बन गया और उस वक्त से आज तक ये सिंबल उनके फ्लैग में भी यूज होता है। क्योंकि ये सिंबल वर्ल्ड वॉर टू के साथ जुड़ा था, इससे नफरत, रेशियल बायस और वॉर में हुए लड़ाई झगड़े का कारण कलंकित किया गया। इस कारण आज के वक्त में पश्चिम में स्वस्तिक सिंबल नफरत और जहरीले विचार का प्रति समर्पित किया जाता है। हालांकि पूर्व में एक शुभ और पवित्र प्रतीक के रूप में स्वस्तिक बौद्ध और हिंदू समाज के भीतर लोकप्रिय है। तो अब आपकी ये वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।